हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के आज की वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ कि जो भी सीओपी के छात्र हैं, काफ़ी परेशान हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं अपडेट लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ कि जो भी रेगुलर के छात्र हैं, सबके लिए भी बिग अपडेट लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। उनका रिजल्ट अभी दो दिन से नहीं आया है, तो सभी के बारे में हो, चाहे इवन सेमेस्टर को हो चाहे और सेमेस्टर को, सबके बारे में बताने हो तो वीडियो को ध्यान से लास्ट देखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बता दूँ दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे हमें कि सीओपी के रिजल्ट को लेकर के और रेगुलर के रिजल्ट को लेकर के। तो अभी वो कमेंट भी आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ठीक है, किन बच्चों ने कमेंट किया हो, क्या कुछ था। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, ठीक है। किसके रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर के छात्रों के रिजल्ट के बारे में। देखिए छात्र, रेगुलर के छात्रों का रिजल्ट, कोर्स का मैं नाम बता दूँ आप सभी को, MBA आपका और MCA, ठीक है। पूरी उम्मीद है, पूरा चांस है कि कल इन दोनों कोर्स का, कोई भी सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होना ही होना तय है, ठीक है छात्रों। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा कल, लेकिन उसको तुरंत पाने के लिए ज़रूरी आप सभी को लेके चैनल को आप फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही कल रिजल्ट आएगा, तुरंत वीडियो बन के आप मैं डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत आप सभी को वीडियो मिल जाएगी और आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे छात्र हमें मैसेज किए थे कि सर हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो हम मैं अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए छात्र, क्योंकि बाद में क्या होता है, सभी लोग उस पर जम कर जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण सबको दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप सभी को बोलूँगा तक आप फटाफट अपना रिजल्ट देख सकें, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई रेगुलर के छात्रों की, किनका MBA का और किनका MCA का, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है, तो एकदम तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एकदम मस्त तैयार बैठिए, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सीओपी के छात्रों के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए छात्रों, सीओपी के जो भी छात्र हैं, कल या रेगुलर के छात्र का रिजल्ट जारी होने के बाद में परसों से सीओपी के छात्रों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सीओपी के छात्रों का रिजल्ट जो है 3 से 4 दिन चलने वाला है। 3 से 4 दिन में जो भी बीटेक, एमबीए, एमफार्म, बीआर, जो भी कोर्स के छात्र हैं, सारे कोर्सों के छात्रों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कब से? परसों से। तो आप परसों से आप सभी लोग मतलब मान के चलिए कि सीओपी के छात्रों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है छात्रों। ये सारी बात हो गई सीओपी के छात्रों की। अभी आप सभी चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कमेंट, जो काफ़ी सारे छात्र हमें कमेंट किए थे। देखिए छात्र, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट बने होते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के सीओपी का कब तक आएगा, है ना। तो अभी मैंने आप सभी बताया कि सीओपी का जो है रिजल्ट परसों से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको सीओपी के, ये भाई की। अभी आगे देख लेता हूँ कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का सीओपी का रिजल्ट, बैक रिजल्ट कब तक आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का मतलब सीओपी रिजल्ट को लेकर किस तरह से बेसब्री से इंतजार बना हुआ। तो इसीलिए स्पेशली वीडियो मुझे लाना पड़ा सीओपी के छात्रों को, बाकी रेगुलर के छात्रों का भी मैंने बता दिया, ठीक है। MCA फर्स्ट सेम का कब आएगा, तो MCA का मैंने बता दिया हूँ कि कल पूरे चांसेस है कि MCA का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है छात्र। तो ये सारी बात हो गई इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं वहाँ से सीधे आपको रिप्लाई कर दूँगा या फिर वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूँगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाक से तो आपको कल वीडियो मिल जाए, जैसे ही कोर्स का रिजल्ट आए आपको फटाक से वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।